राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का संभागीय अधिवेशन शनिवार को सावित्री चौराहे के पास दाधीच वाटिका में संपन्न हुआ। संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष नाहर सिंह राजावत ने उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वागत अध्यक्ष के रूप में निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत और मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेडरेशन के संयुक्त महामंत्री आनंद सिंह नयाल ने की। मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राज बिहारी शर्मा, वक्ता प्रदेश महामंत्री दीनानाथ रूथला थे। संयोजक आनंद सिंह नयाल ने बताया कि राज्य सरकार से रोडवेज कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर अधिवेशन में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही राज्य सरकार से मांग की गई है कि रोडवेज कर्मचारियों को भी यथाशीघ्र राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ और भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ से जुड़े कर्मचारी और मजदूर मौजूद रहे। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का एक दिवसीय संभागीय अधिवेशन आज दाधीच वाटिका के प्रांगण में संपन्न हो रहा है। इस अधिवेशन में मुख्यतः कर्मचारियों की जो ज्वलन समस्याएं उनके बारे में हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी पधारे हैं उनके बीच में रखा गया है और मुख्य रूप से हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि वे राजस्थान रोडवेज को राज्य सरकार के अधीन ले और रोडवेज कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित करें।